नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हूं मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। रंजीत तिवारी के अनुसार संग्रामपुर प्रखंड के सभी बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मंगलापुर स्कूल को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। स्कूल को अच्छे तरीके से सजाया गया, जहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बलवंत कुमार पांडे ने केक काट कर मतदान शुरू कराया। मतदाताओं को परेशानी न हो इसके लिए समुचित व्यवस्था भी की गई। मोहित की रिपोर्ट के अनुसार एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने जा रहे चंपारण के अर्पित राज, लगन, मेहनत और ईमानदारी की बदौलत 25 साल के अर्पित माया नगरी में डंका बजाने को तैयार है। कई रंगमंच पर अपने अभिनय का जौहर दिखाकर अर्पित फिल्मी सितारों के साथ अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद और दोस्तों के सहयोग और गुरु की कृपा से ही निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नामदार भाषण की शुरुआत ही गाली से करते हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में एक बार फिर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हुआ तो हुआ टिप्पणी कांग्रेस के अहंकार को बताती है। पहले की सरकारों ने जवानों को बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं दी थी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आज पश्चिम बंगाल के जाधवपुर में रैली करनी थी, लेकिन बताया जा रहा है उन्हें रैली करने की इजाजत नहीं मिली। अमित शाह को आज दोपहर 12:30 बजे रैली करनी थी, मगर रैली से ठीक पहले ही वहां की सरकार ने इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी। एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन ने सभी महिलाओं को बेहद ही खास अंदाज में मदर्स डे की शुभकामनाएं दी। मिलिंद सोमन ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनकी 80 साल की माँ साड़ी पहनकर पुशअप्स करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में मिलिंद महिलाओं से फिट रहने के लिए कह रहे हैं। वीडियो में मिलिंद अपनी माँ के साथ 16 पुशअप लगाते दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, कभी भी बहुत देर नहीं होती, उषा सोमन मेरी माँ। 80 वर्ष की युवा हर दिन को मदर्स डे बनाए। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया, मगर सबके जीवन पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है सिने आजकल इंडिया @gmail.com। मक्कल निधि मय्यम यानी MNM के संस्थापक कमल हासन ने एक विवादित बयान दिया। कल रात एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हासन ने कहा कि वो एक ऐसे स्वाभिमानी भारतीय हैं जो समानता वाला भारत चाहते हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये मुसलमान बहुल इलाका है, बल्कि मैं ये बात गांधी की प्रतिमा के सामने बोल रहा हूँ। आजाद भारत का पहला आतंकवादी हिंदू था और उसका नाम नाथूराम गोडसे है। वहीं से आतंकवाद की शुरुआत हुई। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर आज ED के दिल्ली स्थित ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे वीडियोकॉन को लोन दिए जाने के मामले में पूछताछ की गई। आपको बता दें, बैंक ने 2009-2011 के बीच कंपनी को लोन जारी किया था। चंदा कोचर उस समय बैंक की प्रमुख थी। ED इस मामले की जांच कर रही है कि इस लोन को देने में किसी तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ था। अलवर गैंगरेप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर BSP प्रमुख मायावती ने उन्हें आड़े हाथ उठाए। आज मायावती ने कहा, PM मोदी ने कल जो यहां नकली दलित प्रेम दिखाने की ड्रामेबाजी की है, उससे चुनाव में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जिन BJP शासित राज्यों में दलित उत्पीड़न हुए, वहां मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे क्यों नहीं लिए गए? इन सब मामलों में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कभी भी इस्तीफे की पेशकश नहीं की गई। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में पंजाब में मतदान हुआ। पंजाब के गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सनी देओल की गाड़ी आज सुबह एक हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि प्रचार के समय यह हादसा हुआ। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि सनी देओल इस गाड़ी में थे या नहीं। आपको बता दें, पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों पर 19 मई को आखिरी चरण में मतदान होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब में BJP के लिए प्रचार करने पहुंचे। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के लक्ष्मी नगर में एक मॉडल पोलिंग बूथ की तस्वीर सामने आई। कल दिल्ली में मतदान किया गया। इस बूथ पर वोटर्स का स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों से किया गया। इसके अलावा यहां पर कूलर और AC भी लगे हुए थे। वोटर्स के लिए ठंडे शरबत का इंतजाम भी था। मतदान करके आने वाले हर वोटर को गुलाब का फूल देकर सम्मानित भी किया गया। यहाँ छोटे बच्चों के लिए क्रैच का इंतजाम भी था।
रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। कल हैदराबाद में खेले गए फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स हार गई। मुंबई की टीम ने 8 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में माही की टीम 7 विकेट पर 148 रन ही बना सकी और 1 रन से हार गई। सारा अली खान उन एक्ट्रेस में शामिल है जिन्होंने बॉलीवुड में आते ही धमाल मचा दिया है। सारा ने अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। अब रमजान के महीने में ऐसी तस्वीर के कारण लोग उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको इस रमजान में हिदायत और पुख्ता ईमान दे। वहीं एक ने लिखा, ऐसी ऐसी पिक्चर अपलोड करके रोजा मत खराब करो। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। CHEC मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है CA आजकल इंडिया @gmail.com।